हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। हाँ जी, तो आज सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं साइट पे और घर के बाहर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो गार्डन भी बना हुआ है। देखिए, अगर आप यहाँ राइट साइड में बना हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो सुबह सुबह का वक्त है, बिल्कुल शांति भरा माहौल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं तो चाची जी के पास। ऑलरेडी ना जो फर्नीचर है उसमें से थोड़ा सामान उन्होंने कल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो जिसे हम बाकी जो घर में हमारा भी काम चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली कलर्स वगैरह थोड़े इन पे चेंज करेंगे, तो आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे आपको क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में। लास्ट टाइम हम नाइट की थोड़ा व्यू था ना, तो इतना अच्छा पता नहीं लग रहा था, तो अभी दिन में जो है पूरा साफ दिख रहा है। तो ये जो है हमारा क्रॉकरी यूनिट और इसके अंदर जो है हमारे पैनल आना वाला है स्विच बोर्ड्स का, और इसके अलावा नीचे की तरफ ड्रॉस बनने वाले हैं, तो ऊपर वो जो 4 इंच की जगह एक्स्ट्रा है ना उसके ऊपर भी इन्होंने पट्टी पूरी लगा दी है, तो बस अभी फिनिशिंग का काम ही जो है वो चालू करने वाले हैं। तो ये है जी हमारा स्विच पैनल, तो इसकी जो है वायरिंग वगैरह बाहर निकाल रखी है। उसके अलावा चिमनी भी आ गई है, चिमनी के लिए भी कटिंग वगैरह पूरा डन हो गया है, तो इन्होंने पहले निकाल के पूरा साइज़ वगैरह लेके ना चिमनी की कटिंग कर दी है, ताकि प्रॉपर जो है मेजरमेंट के हिसाब से सारा हो जाए। ठीक है जी, तो ठीक है, तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि हॉल में अभी क्या काम चल रहा है। हाँ जी, तो हॉल में बाहर की तरफ अभी तक ग्रेनाइट जो है वो आया नहीं है, तो इसके लिए जो वॉश बेसन एरिया है वो हमारा स्टिल पेंडिंग है, तो वो आने के बाद ही उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और ये जो है नीचे इन्वर्टर का जो एरिया है, यहाँ पर भी हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए कुछ होना चाहिए। एंड ये है हमारा टीवी यूनिट, तो भाई को ना ऐसे लग रहा था कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया, थोड़ा इसमें वाइट ऐड करना है, तो नीचे की तरफ तो हमने वाइट कलर पूरा लगा दिया था, तो उसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लाइट्स आने वाली है यहाँ पर भी वाइट है, तो बस उसके टीवी आएगा ना तो पूरा एक्चुअली पूरा छिप जाएगा, और टीवी के पीछे ब्लैक रहे, डार्क रहे, कलर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है जी हमारा मंदिर यूनिट, तो इसका जो दरवाज़ा है वो भी जो है रिमूव कर दिया है और पैनलिंग अच्छे से हो गई है। बस अभी ये जो बेड है ना पुराना, इसको देखते हैं कि क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ये चिप भी हो रहा है, चलो बनेगा तो फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हम आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पर जो है ये बेड बाहर निकाल के रख दिया इन्होंने, वेट दिया हुआ है। एक्चुअली नीचे देखिए सारी प्लाई वगैरह पड़ी है ना, तो उसको जो है पूरा सेट करने के लिए उसके बेड के साथ उसका वजन दे दिया, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो फिलहाल तो अभी पल्लों वल्लों को जो है पूरी कलर्स जो है सेटल हो रहे हैं, उनकी लैमिनेशंस वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं, तो रूम इस वक्त पूरा खाली खाली लग रहा है। उस दिन तो मतलब चेक तो कर लिया उन्होंने स्लाइडर्स वगैरह लगा के, बस अभी फाइनल टचेस जो है वही देने बाकी हैं। तो ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है इस तरह से। तो चलिए बाहर की तरफ देखते हैं कि दूसरे रूम में कुछ किया है कि नहीं किया है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ किया होगा, क्योंकि सब वेटिंग में ही चल रहा है। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। इसके अलावा डोर के बाहर जो पैनलिंग की हुई है ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो पैनलिंग जो है वो हमारी थोड़ी छोटी है और अंदर की तरफ ना वाइट बॉर्डर दिख रहा है, तो भैया को आज बोला है कि भाई वो भी सेट करो, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ से बेड निकल गया, तो देखिए रूम कितना बड़ा लग रहा है। एक्चुअली रूम तो है ही बड़ा, लेकिन इसमें ना डोर वगैरह ज़्यादा है, तो इसके लिए बेड रखने की जो जगह ना वो थोड़ी कम है। तो चलो वो भी जो है हमारा भी बन गया है, सेट हो गया है, तो अंदर देखते हैं ड्रेसिंग में कुछ बना है कि नहीं। स्टिल पेंडिंग, सब कुछ वही चल रहा है, तो धीरे धीरे जो है ये एक एक रूम का जो वो सेटल करेंगे, तो ये रूम जो है वो बाद में ही होगा। तो पहले ऊपर वाला जो पीछे का रूम है उसमें गोल्डन और जो है ब्राउन एंड वाइट तीन कलर है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा काम है, तो इसलिए इन्होंने ना वो वाला पहले स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अलावा इसका जो बॉर्डर वगैरह है ये भी ग्रे आने वाला है, और इसमें जो लाइटनिंग है ना यहाँ पर पीछे की तरफ आएगी, तो हम यहाँ पर पीछे की तरफ देंगे रोप लाइट। तो बस ऊपर तो ज़्यादा कुछ अपडेट्स है नहीं, तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। तो देखिए जब घर में काम चल रहा होता है ना, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर ना बोलते हैं गंद पड़ा हुआ, खिलारा पड़ा हुआ है, पंजाबी में बोलते हैं खिलारा पड़ा हुआ है। तो अगर आप घर में रहकर ये सब काम कराने की सोच रहे हो, तो एक बार उसे अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि ये जो है ना घर में हम लोग रहते हुए ये काम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शिफ्ट होने से पहले ही अगर सारे काम जो है आप सेटल कर लो, अच्छे से करा लो, तो ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो ठीक है, सीढ़ियों से जो पूरा हमारा हॉल का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, काम जो है तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और ज़्यादा वक्त लेंगे,
तो चलो जब कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरा फिर से एक बार घर का टूर ज़रूर देंगे। हाँ जी, तो हमें अपने घर में ना थोड़ा सा काम करवाना है। जो हमारा मंदिर है उसकी हमें आर्च बनवानी है, तो उसके लिए यहाँ पर वुड की जो है हम कटिंग करवा रहे हैं। लकीली भाई ने जो कलर चूज़ किया है वाइट कलर प्लेन अपने बेडरूम के लिए, सेम वही कलर जो है हमने अपने खुद के घर में भी यूज़ किया हुआ है, तो ये टुकड़ा मुझे यहाँ से आसानी से मिल गया। अदरवाइज़ जब एक बार काम घर में ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर आप सोचो कि ये करा लेते वो करा लेते, तो इन दैट केस में वो छोटे छोटे टुकड़े पीसीस ऐसा मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है डेकलम वगैरह लगी हुई है, और यहाँ पर एज बाइंडिंग टेप भी जो इन्होंने फिट कर दी है। सूखने के बाद ही इस पर जो है वो कटिंग वगैरह होगी। तो इसके ऊपर हम क्या करवाने वाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जी CNC कटिंग, जो जाली वगैरह बनाते हैं उनके पास। तो ये जो है एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी है इनके पास, अगर आप घर में कोई इंटीरियर वगैरह का काम कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। तो इनकी जो है ये खुद की शॉप है CNC कटिंग की। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ना बहुत सारा काम चल रहा है, वुड की कटिंग भी हो रही है, जाली वगैरह की कटिंग की मशीन्स वो भी इनके पास हैं। यहाँ पर लॉक्स वगैरह भी बने जो पार्टीशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो कटिंग करते हैं ना हम जाली वगैरह के लिए वो भी ना अलग अलग मटेरियल्स में होती है, तो उनके भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन है। तो इनमें से चूज़ करके बाद में उसको पेंट वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो है सेम लेमिनेशन कलर लेना था तो हम लोग वो टुकड़ा जो वो लेके आए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो इनका ऑफिस है यहाँ पर ये डिज़ाइन वगैरह जो वो बताते हैं, देखिए यहाँ पर कितने सारे डिज़ाइंस जो हैं एज अ सैम्पल लगे हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई लेना है तो वो भी ले सकते हो, अगर आपको कुछ अलग वाला डिज़ाइन बनवाना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन में सर्च करके जो है वो हम देख सकते हैं। तो जी विक्रम जो है यहाँ पर भैया को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरह का जो है डिज़ाइन वो चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर इनके पास ना बहुत सुंदर सुंदर आर्ट पीसेस थे जो इन्होंने खुद बनाए। इनके पास यहाँ पर पॉलिशिंग का काम जो है ना वो भी चल रहा था, वो भी मैंने देखा, वीडियो शूट नहीं किया लेकिन मैंने उसका। तो फिर डिज़ाइन जो है हमने फाइनल जो भैया को समझाया उसके बाद इन्होंने बताया कि जो आप डिज़ाइन बता रहे हो उसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो छोटा है साइज़ के अंदर, और फिर उसकी कटिंग आने के बाद जो है वो किस तरह से अटैच रहेगा बाकी वुड के साथ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली दो ऑप्शंस लेके चले थे, तो दोनों में से कोई एक जो है हम लोग जो है फाइनल हो जाए ऐसा सोच के आए थे। तो वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस हिसाब से होगा, और साइज़ वगैरह का भी थोड़ा मैटर था कि साइज़ जो है, क्योंकि वुड का जो पीस है वो 10 इंचज़ का है, तो कटिंग करने के लिए स्पेशली प्लाई में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ जी, तो हमने जो डिज़ाइन फाइनल किया है वो कुछ इस तरह से है, तो जब बन जाएगा आपको दिखाएंगे कैसे लग रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिला, तो डायरेक्ट ये रात की वीडियो है। तो हमारे पड़ोसी जो हैं साथ वाली जो बिल्डिंग है उन्होंने जो है गणेश विसर्जन की जो है वो यहाँ पर तैयारी चल रही थी, तो ये यहाँ की वीडियो है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आगे आप जो है इन लोगों का जो डांस है वो एंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।